ते बाबा बोले शारा मतुल्ला ला फरमा देने पहली पौड़ी भाई पहली पौड़ी इश्क तेरे सिराते डेरा लोकी अज मखे नू जांदे ते मैं मुख वेखां तेरा। मियां साहब ने तर्जमा च फरमाया दर मुर्शिद दा बैदर मुर्शिद दाओ इखाना काबा हज जरूरी करिए तकवा रख महबूबा वाला चल दवा। इस पैंड पै गया तो बहुत ही तकरीर ऐसे ते हो जानी है। मौला अली नबी वल वेरे काबे नहीं वेख्या पता क्यों? चलिए पीरे बाहू दे दरबार उते जे तुसा नहीं सुभान अल्लाह बोलनी ते मैनू लैक्चर देना भी आउंदा है। मैं भी उर्दू च लैक्चर दे के चला जावांगा तकरीर फिर भी हो जाती है पर जो तुसा वाकई तकरीर सुनी है ना जल्दी लच्छेदार तकरीर होती है जी दिल से असर की कर जाए तुसी कुछ लैके भी जाओ फिर तुहानू मेरे नाल सुभान अल्लाह बोलनी पवेगी। भाई जिहड़ा हाथ नहीं ना खड़ा कर दो ये ना आखे कि मैं बड़ा चौधरी हाँ वो बस घर जाके ये सोचे कि मैनू अल्लाह ने बोलन की तौफीक क्यों नहीं अता की। होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली वेख के फरमाते होंगे ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना रजा लख लख चश्मा एक खोला एक कजा वो एक ना डिठिया मैनु सफर ना आवे होर किदे वल थजा तेनू वेख्या एक हज हुंदा ही ते ओनू वेख्या लख करोड़ा हजा हू। मौला अली जदों जवान होए ना कि नबी करीम ने बिठा के फरमा लिया अख क्यों नहीं सा खोलदा। अम्मी बड़ी परेशान सन वाली तेरी होश तू सदके जावा। हजूर ने उस दिन दे मुतलक पूछा जदों वाली दी उम्र अजे 3 दिन सी साडा बच्चा ते 8 साल दा हो जाए ते मां कहंदी आसी साहब ईर साहब तवीद लिखदे मुंडे नूं होश नहीं आउंदी पर अली दी होश दा आलम वेख मेरे नबी फरमा लिया अख नहीं सा खोलदा। अर्ज की थी या रसूल अल्लाह कोई बच्चा पैदा होवे ते अख खोले मां नूं वेखदा कोई बाप नूं कोई भैण भरा यार सज्जन बेली आंढ गवांढ वाले अंग साखा नूं वेखदा ते मैं अर्ज की थी या अल्लाह कायनात च कोई एक बच्चा ते होना चाहिए ना जदों अख खोले ते मुख नबी दा होवे ते हुजूर ने फरमाया अली तेनों किवें पता लग्या कि मैं आ गया। ते मौला अली मुस्कुरा के अर्ज की सुनिया जदों किसी माही की सिक होवे ना जदों तांग होवे किसी सोहने की
जदों इंतजार ते जदों किसी का उड़ीक होवे ते फिर दरवाजा हवा नाल बिखड़ के ते इंज लगदा जिवें यार आए। अर्ज की सोने जदों तुसा पहला कदम मुबारक वेड़े च रख्या ते मैं सांस लिया ते सांस च हवा ते हवा च नबूवत की खुशबू गई ना ते दिलो हू कुठी अली अखां खोल जी दियां उड़ीका करदा सौ माही आ गया आई। मेरे आका ने जो मौला अली नूं गोद च लिया ने ते रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाची जान बच्चे नूं गुड़ती दित्ती कि नहीं। चाची जद जवाब सुनो चाची फरमा लगे वे कमली वाले तेरे बाज कौन देवे। अच्छा चाची ने जुमला क्यों फरमाया इहदा इक पसे मंजर है इहदे पिछे इक बड़ी लंबी कहानी है। जदों नबी करीम अलैहि सलाम दुनिया ते आए ते मेरे नबी दे वालिद गिरामी दुनिया ते नहीं सन। छे साल दे होए ते मां दा इंतकाल हो गया। अठ साल उम्र हुई ते दादा जान चले गए। बेसाया कर दिया उस सायादार को। नबी करीम दे चाचे ताए फुफियां सारे खानदानी कुरैश वाले कट्ठे बैठ गए कि मुहम्मद नूं कौन पालेगा। चाचा अमीर हमजा उठ के खलो गए फरमाया मैं पालांगा। चाचा अबू तालिब उठ के खलोगे फरमाया मैं पालांगा। अब्बास चाचा उठ के खलोगे फरमाया मैं पालांगा। ताया हारिस उठ के खलोगे फरमाया मैं पालांगा। अबू लहब नचार वो भी उठ के खड़ा हो गया कहने लगा मैं पालांगा। मेरे नबी दी लाडली जी फुफो हजरत सफिया उठ के खलोगी फरमान लगिया सारे रहंदे हो मैं पालांगा। हजूर दी फुफो आतिका बोलिया फरमा दिया मैं पालांगी। सोना ही बड़ा सी हर एक का दिल करदा सोना मेरे वेड़े च होवे। आखिर फैसला किया गया कि जिन्हों सोना पसंद करे। हुण सारियां निगाहां रुखे मुस्तफा ते लग गईयां। कमली वाला किन्नू पसंद करदा मेरे नबी उठे ते करामा करामा टुरे टुरे आके ना ते मौला अली दे अब्बा जान हजरत अबू तालिब दी गोद च आके बैठ गए। हजरत अबू तालिब ने उठाया ते घर लै गए। हुण चाची कहंदी है जदों हजूर घर आए ना ते आप फरमांदियां मेरी ते अपनी बड़ी औलाद सी ते घर विच इक फर्द दा खाना होंदा ते असीं मियां बीवी ते बच्चे खाना रख के जदों बैठने आ ते किसी दे हिस्से च इक किसी दे दो किसी दे हिस्से च तीन लुकमे आंदे ने ते पेट किसी दा भी नहीं भरदा। पर जदों आए ना कमली वाले ते चाची फरमांदियां इक फर्द दा खाना रख के असीं बैठे ते सारे पेट भर के खा के उठ गए ते फरमांदियां मैं ढक्कन उठा के वेख्या ते जे रोटियां भी आवें ते बोटियां भी आवें। चाची नूं मंजर याद सी। चाची ने वेले वेखे सन जदों मक्के च बारिश नहीं होंदी ते लोग आके हजरत अबू तालिब दा दरवाजा खड़का के कहंदे ने अबू तालिब अपने भतीजे मुहम्मद नूं कह बारिश दी दुआ करे। ते हजरत अबू तालिब मेरे नबी नूं उठा के काबा शरीफ च लै जांदे ने ते हजूर दी खंड मुबारक तो कपड़ा उठा के ना ते सरकार दी कंड काबे दी दीवार नाल लगा के कहंदे ने काबे वालिया तेनू गोरे रंग वाले दा वास्ते बारिश नाजल फरमा दे। ते छम छम बारिश आ जाती है। चाची ने वह भी जमाने वेखे सन। चाची ने एवें नहीं आख्या सुनिया तेरे बाज गुड़ती कौन देवे। चाची नूं याद सन नबी दियां बरकतां। अर्ज की सुनिया तेरे बाज गुड़ती कौन देवे। नौजवानों जब गुड़ती का वेला आया तो मेरे आका ने अपनी जबान यू हा जी जुबान च कदे खुदा बोले तो कदे मुस्तफा बोलन। वो जुबान जब मेरे नबी ने अली अल मुर्तजा दे दहने पाके च रखी ना तो हुण अली नबी की जुबान दे चूसे लै रहे। हदीसे पाके चाहुंदे कि दिन हजूर ने गुठली खजूर खा के ना तो गुठली सटी गिटक। एक बच्चा करीब बैठा उन्हें दौड़ के जाके गुठली उठाई तो मुँह च डाल के चूस रहा। नबी करीम ने उस बच्चे की अदा पसंद आई। रसूल अरबी ने हाथ उठा के अर्ज की या अल्लाह इस बच्चे नु दीन दा फहम ते दीन दी समझ अता फरमा। ओही बच्चा जेड़ा वड्डा होके कुरान मजीद दा पहला मुफसर बनया। ओही बच्चा जिन्हों हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा किया जांदा है। ओही बच्चा जिन्हों हिब्रुल उम्मा किया जांदा है। इस उम्मत दा सब तो बड़ा आलिम ओही बच्चा है जेड़ा उम्र च ते छोटा है पर ओदे कोल हजरत उमर फारूक भी मसला पुछण आंदे ने। यार सच्ची दसो जेड़ा नबी दे लुआब ते नबी दे लब मुबारक वाली कुठली चूस लवे उते हिब्रुल उम्मा बने ते जेड़ा नबी दी जुबान चूसे सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया जे थोड़ा होर औला बोलो तुहानू नजर ना लग जावे।
रात दे मैनूं पता 2 बजे बंदा सुभान अल्लाह कहण जोगा रहिंदा ही नहीं। हुण लंगर वंड के वेख लो ते अपना रौला वेख्या जे। मैनूं पता ना मेरी कौम नूं बिरयानी बड़ी पसंद है माशाल्लाह जी। गिरामी कदर हजरात, मेरे नबी ने अपनी जुबान यूहा अली दे मुंह च रखी। अली फरमाद ने एक दो बार नहीं, फरमाद ने शाम नूं मैं नबी पाक दे नाल लेट जाता सा ते हजूर अपनी जुबान मेरे मुंह च रख दिंदे, मैं सारी रात मुहम्मद दी जुबान दे चूसा ही लैंदा रहिंदा सा। कदे गौर कीता होवे तुसा कि माइयां वडेरियां दा दिल करदा जदों बच्चा पैदा होवे ते उहनूं मिठी गुड़ती दईए या शहद दी। लोग आके कहें आसी साहब शायद जरा जूठा कर दियो, असा अपने पुत्र गुड़ती देनी। पीर साहब शायद जूठा कर दियो, बच्चे गुड़ती देनी, शहद की गुड़ती मिठी खजूर नरम करके लोग बच्चे दे मुँह च डाल के गिठी गुड़ती। मैं अपने बचपन च वेख्या कि लोग जदों खजूर भी नहीं सी मिलती ना तो लोग चीनी पीस के ना तो बच्चे दे मुँह च मिठी गुड़ती। यार असी तो अपने बच्चे मिठियां गुड़तियां देईए, पर मौला अली आए तो नबी की जुबान दे चूसे, सैयद अज़ारा आमा तो नबी की जुबान दे चूसे, अली तज़ारा के पुत्र आऊँ तो नबी की जुबान दे चूसे। अर्ज की अल्लाह आ जे नबी के घर के बच्चे ने इन्हों गुड़ती मिठी नहीं देनी। अल्लाह फरमा कायनात वाले मैं कायनात च बड़ा कुछ मिठा बनाया है पर एडा मिठा मैं कुछ नहीं बनाया जिड़ी मुहम्मद की जुबान मिठी बना देती है। एडी मिठी जुबान, एडी मिठी जुबान, पढ़ा कुरान उस जुबान की मिठास होते उन्हें तो सारा कुरान ही उसकी जुबान की मिठास है। साडा बच्चा दिन में जिनी बार बोले ना मां उन्नी बार कहती है सदके जावा। अबू कहते कुरबान जावा तो बहन कहती है बुलहारी जाइए, साढ़े वीर वर्गा बोलता ही कोई नहीं। पर जब आई ना कमली वाले दे बोलन की वारी तो मेरे आका मां हलीमा दे वेड़े वस रहे थे, जी मां ने सदके जाना मक्के पे वसदी सी, जेड़े बाप ने कुरबान जाना वह बाप सिर ते कोई नहीं, तो बुलहारी जान वाली बहन है ही कोई नहीं। तो रो के अर्ज की मैं बोलिया तो सदके बारी तो कुरबान कौन जाएगा। अल्लाह फरमा सोने तू तो एक बारी बोलते सही तो लब खोते सही। अल्लाह ने फरमाया वकील ही या रब्बी अल्लाह उलाई कौमुल ला युमिनून इन्नहु लकौलु रसूल करीम व मा यनतिकु अनिल हवा इन्हुवा इल्ला वहयू। सदके जान भली मां कोई नहीं, कुर्बान जान भला बाप कोई नहीं, बुलहारी जान भलिया भैन कोई नहीं। फरमाया वकील ही तेरी बोली दी कसम एक बारी बोल तो सही मैं दोवें जग कुर्बान कर दे। गोलड़े दे ताजदार फरमाया सारा आलम कुर्बान तेरे एक मिठड़े बोल तू तो।